जी हाँ दोस्तों, इन दिनों सबसे ज़्यादा कोई साउथ की फिल्म चर्चा में है तो वो है RRR। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली के निर्देशक राजमौली की बहुप्रतीक्षित और मल्टी स्टारर फिल्म RRR को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस फिल्म पर हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। बीते दिनों फिल्म से जूनियर NTR का लुक रिलीज किया गया, जहां पर वह भीम के किरदार में दिखाई दे रहे हैं। जूनियर NTR ने फिल्म में स्वतंत्रता सेनानी कोमराम भीम की भूमिका निभाई है। इसमें उनके किरदार को मुस्लिम लुक दिया गया है। कुर्ता पायजामा और मुस्लिम टोपी के साथ विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना BJP के नेता और सांसद बांदी संजय ने राजमौली को धमकी दी है। साथ ही एक स्वतंत्रता सेनानी के किरदार के लिए जो लुक रखा गया है उसका भी विरोध किया है। जानकारी दे दें कि एक जनसभा बांदी में संजय ने इस सीन को जिक्र करते हुए कहा कि राजमौली ने सनसनी फैलाने के लिए कोमराम भीम को यह टोपी पहनाई है। दोस्तों, फिल्म में अगर देखा जाए तो इनका लुक काफ़ी शानदार निकल कर आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से हिंदूवाद काफ़ी ज़्यादा खड़ा हो गया है। वो कहते नजर आए हैं कि क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? कभी नहीं। इसके साथ ही सांसद स्वयं बापू ने भी एक इंटरव्यू में कहा है कि एक आदिवासी नेता को सूरमा, मुस्लिम टोपी और कुर्ता पायजामा में दिखना काफ़ी ज़्यादा गलत है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट की डिमांड ये हो सकती है, लेकिन लोगों की डिमांड नहीं है। लोग इनको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। बड़े से इनकी जो बॉडी देखने को मिली फिल्म में काफ़ी धांसू नज़र आई, लेकिन उनका कुर्ता पायजामा वाला लुक लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कोमराम भीम ने निजाम के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आदिवासियों के अधिकारों के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। उन्होंने आगे कहा कि जूनियर NTR का लुक अगर फिल्म में नहीं बदला गया तो हम थिएटर्स चलाने में कोई भी देरी नहीं करेंगे। तेलंगाना BJP अध्यक्ष B संजय ने कहा कि किसी ने आदिवासियों के भगवान कोमराम भीम के सिर पर टोपी रख दी, क्या इन लोगों में निजाम या ओवैसी की फ़ोटो के साथ ऐसा करने की हिम्मत है? बता दें कि कोमराम भीम ने हैदराबाद को आज़ाद कराने के लिए अश्फ जाही राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तब वह सिर्फ 19 साल के थे। उनके पिता की जान ले ली गई थी, निजाम के अधिकारियों ने लिया था जान। साथ ही दोस्तों, साल 1940 अक्टूबर में कोमराम भीम सेना निजाम और ब्रिटिश सेना के बीच 3 दिन की लड़ाई लड़ी थी। 39 साल की उम्र में संघर्ष करते हुए उन्होंने अपनी जान दी थी। जूनियर NTR की RRR फिल्म तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, लेकिन अगर ऐसा ही उनका लुक रहा तो थिएटर्स जलाने को लेकर लोगों ने साफ नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा है कि हम थिएटर्स जला देंगे। गौरतलब है कि RRR यानी कि RRR में जूनियर NTR के अलावा रामचरण, आलिया भट्ट, अजय देवगन और श्रेया सरन भी अहम भूमिका में होंगे। ये फिल्म 8 जनवरी को तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज होगी। सबको इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन अगर लुक चेंज कर दिया जाएगा तो क्या नया लुक सामने आता है, या फिर लुक चेंज किया जाता भी है या नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए तो फिर जितने भी अभी तक कई विवाद खड़े हुए हैं फिल्मों में, उनको चेंज जरूर किया गया है, क्योंकि किसी की भी भावना को ठेस पहुँचाना किसी का भी कोई मकसद नहीं रहता। फिल्म और स्क्रिप्ट की डिमांड ही कुछ ऐसी रहती है जो उन लोगों को ऐसा करने पर मजबूर करती है, लेकिन अब लोगों की भावना को ठेस पहुंची है तो जरूर उनको कुछ बड़ा कदम उठाना होगा। नेक्स्ट 9 लाइफ की रिपोर्ट, फिल्म से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।